तो गाइस रॉयल रंबल 2022 के बैटिंग ऑड्स निकल कर सामने आ चुके हैं, जिसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही में इसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट भी लीक हो चुकी है, जिसके बारे में भी बात होगी वीडियो में। मनी इन द बैंक की डेट भी हो चुकी है ऑफिशियल वे में चेंज। स्टोन कोल्ड भी रेसलमेनिया के लिए बड़े रोल के साथ आने वाले, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रॉयल रंबल के स्क्रिप्ट के बारे में, जो कि लीक हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर से जो रॉयल रंबल का मेंस का होगा, जिसकी एक लीक हो गई थी, लेकिन एक और ये लीक हो चुकी है जिसके मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर वीर महान है और यहाँ पर गंथर है, ब्रॉन ब्रेकर, केविन ओवेंस, डोमिनिक, यहाँ पर बहुत नाम है, और जॉन सीना, रोमन रेंस, ट्रिपल एच, गोल्डबर्ग, हल्क होगन, कोडी रोड्स और टोनी खान के नाम है इस लिस्ट के अंदर। कि इतने बड़े नाम, टोनी खान क्यों आएंगे भाई? टोनी खान का नाम है, हल्क होगन का नाम है, ट्रिपल एच का नाम है, रोमन रेंस का नाम, मतलब ये स्क्रिप्ट लग भी रहा है कि है WWE की, मतलब रॉयल रंबल की ऐसी स्क्रिप्ट होगी। आइए से कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं होगी, क्योंकि ये सारे सुपरस्टार लग नहीं रहा कि होने वाला है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, जो कि मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और हम लोग बढ़ते हुए हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और बात करते हैं कर्ट एंगल के बारे में। और कर्ट एंगल ने हल्क होगन के बारे में कुछ बातें कही है। तो हल्क होगन को लेकर कर्ट एंगल कहते हैं कि रेसलिंग के अंदर एक हल्क होगन एक बहुत बड़ा नाम है, हल्क होगन इज बिगेस्ट नेम इन रेसलिंग हिस्ट्री, ऐसा कर्ट एंगल का कहना है। तो यहाँ पर से कहे जो कर्ट एंगल है, उनके हिसाब से जो हल्क होगन है वो प्रो रेसलिंग में एक बड़े नाम है। वैसे सही भी है, क्योंकि हल्क होगन ने भी बड़े कारनामे WWE में किए हैं, तो सही है। और कितने लोगों को लगता है कि रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर जो अपने हल्क होगन है वो एक बड़ा नाम है, या फिर आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन है रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा नाम? आपकी ओपिनियंस आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन ये बड़ी चीज़ खेड़ा लेकर डेंगल है हल्क होगन के बारे में। खेड़ा के लिए अपडेट की हम बात करते हैं, और यहाँ पर से डोमिनिक मिस्टेरियो और रे मिस्टीरियो का जो ब्रेकअप होने वाला था वो WWE ने पोस्टपोन कर दिया है। तो इसके ऊपर अपडेट आ चुकी है, और बताया जा रहा है कि ये ब्रेकअप होने वाला था, लेकिन WWE ने इसको पोस्टपोन कर दिया है, और इसको और भी थोड़ा घसीटेगी। पहले ये होने वाला था, लेकिन WWE ने फिर इसको घसीटा। पता नहीं कितनी बार ऐसा होगा, और कब जाके फाइनली इन दोनों का सेपरेशन होगा, कब ये दोनों अलग हो जाएंगे और डोमिनिक का हील टर्न होगा रे मिस्टेरियो के ऊपर, देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन अभी के लिए कुछ और समय के लिए इन दोनों का ब्रेकअप नहीं बोले होने वाला, और ये दोनों एक साथ ही रहने वाले। तो ये बड़ी अपडेट थी, और बड़ी अपडेट की बात है तो रेसलमेनिया के लिए स्टोन कोल्ड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो यहाँ पर गए स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया 38 डैलस टेक्सास, उनका होम टाउन है। सिर्फ वो होस्ट या फिर एक नॉर्मल अपीयरेंस नहीं करेंगे, बल्कि वो किसी ना किसी एक रेसलमेनिया की मैच को बिल्ड करने के लिए आने वाले, उसका बिल्डअप करने वाले अपने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, यानी कि वो रॉ या स्मैकडाउन के अंदर एक ना एक डेफिनेटली अपीयरेंस देने वाले। तो अब वेट नहीं हो रहा रेसलमेनिया का, और वो कौन सा बड़ा मैच होता है जिसके अंदर स्टोन कोल्ड आते हैं? क्या वो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच होता है? क्या वो WWE चैंपियनशिप का मैच होता है, या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच होता है? ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन डेफिनेटली स्टोन कोल्ड आएंगे, तो मज़ा तो भाई काफ़ी कमाल का आएगा। तो लेट्स सी क्या चीज़ें होती है रेसलमेनिया और डैलस टेक्सास के अंदर। और हम लोग बढ़ते हुए हमारी सेकेंड लास्ट अपडेट की तरफ, और मनी इन द बैंक की 2022 की डेट हो चुकी है चेंज, और ये लास वेगास के अंदर एलिजेंट स्टेडियम में ये होने वाला है, जो कि समर स्लैम का तगड़ा खचाखच स्टेडियम भरा है। तो यहाँ पर से गाइस जो रिंग साइड, और यहाँ पर से रिपोर्ट आ चुकी है फाइटफुल की ओर से कि ये जो है 3 जुलाई को शेड्यूल किया गया, मतलब एक तारीख इसकी बढ़ चुकी है। क्योंकि गाइस यहाँ पर से जो UFC का इवेंट था एक, वो भी उसी दिन पर होना, तो इसलिए WWE ने सिंपली अपने एक डेट एक दिन से आगे बढ़ाए। बाकी वेन्यू वगैरह तो सेम ही होने वाला है, एलिजेंट स्टेडियम से होगा, लेकिन डेट अब हो चुकी है चेंज, जो कि हमें भी इंडिया के हिसाब से एक दिन आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर से ये होने वाला है, और ये WWE के मनी इन द बैंक को लेकर बड़ी अपडेट थी, तो जो कि आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए।
और लेट्स सी कितना कमाल का मनी इन द बैंक का शो जाते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं हमारी फाइनल अपडेट की तरफ और अब बात करते हैं द शोज ऑफ द शोज रेसलमेनिया के सबसे बड़े उससे पहले इवेंट के बारे में जो कि होता है रॉयल रंबल। बहुत कुछ अजीब से मैं बोल गया लेकिन इसके बैटिंग ऑड्स हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर से ये होने वाला है पहला मैच एज और बेथ फिनिक्स का आमना सामना होगा मेज एंड मरीज के बीच जो कि होगा एक मिक्स्ड टैग टीम एक्शन। और इसके अंदर एज एंड बेथ फिनिक्स चल रहे हैं -275 के ऊपर और बेथ मिस एंड मरीज है +200 के ऊपर की। दैट मीन्स की पावर कपल यानी कि एज एंड बेथ फिनिक्स की मैच के अंदर होगी विक्ट्री। अगला मैच होगा गाइस बेकी लिंच और ड्यू ड्रॉप का रॉ विमेंस चैंपियनशिप का मैच और मैच के अंदर बहुत हैवीली फेवर है कि बेकी लिंच अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर रही है -1000 ऑड्स के साथ और ड्यू ड्रॉप है +550 के ऊपर। और यहाँ पर से ये हमें चीज़ दिखाई देने वाली। और अब बात करते हैं विमेंस के रॉयल रंबल मैच के बारे में जिसके बहुत ही इंटरेस्टिंग से और से और नंबर वन पर सरप्राइजली अलेक्सा ब्लिस फेवरेट है कि वो रॉयल रंबल जीतेगी और उनके चांसेस है +400। इसके बाद बियांका बेलेयर भी +400, बेली 450 प्लस, लिव मॉर्गन है +500 के ऊपर, शार्लेट फ्लेयर है +700 पर, फिर रिया रिपली, निकी बेला, पेज, ओलिटा और रकेल गोंसालेस। तो यहाँ पर ये बड़े नाम है और अलेक्सा ब्लिस स्टिल फेवरेट है जो कि उनका अभी तक ऑफिशियल एंट्री भी अनाउंस नहीं है। तो बहुत बड़ी चीज, तो देखते क्या वो जीती है विमेंस का रॉयल रंबल या फिर नहीं। और मेंस के रॉयल रंबल मैच की बात रहती तो यहाँ पर जो फेवरेट है वो अभी है अपने बीस्ट इनकार्नेट करंट WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर +250 के ऑर्ड्स के साथ चले हुए हैं। इसके बाद अपने बिग ही फेवरेट है +550 के साथ। इसके बाद एज स्टार्स थर्ड नंबर पर +800 के साथ। उसके बाद उनके सेम टाइप पर चले हुए हैं अपने जायंट ओमास +800 के ऊपर, अपने बॉबी लैशली है +1000 पर, रोमन रेस चले हुए जिसके बाद सेम आउट के साथ सेथ रॉलिंस है, ड्रू मैकइंटायर है, केविन ओवन, द रॉक, ऑस्टिन थ्योरी एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रीस्ट। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है और WWE चैंपियनशिप मैच की बात रहती तो यहाँ पर अपने ब्रॉक लेसनर और लैशली का आमना सामना होगा फर्स्ट टाइम एवर मैच में। और लैशली अभी फिलहाल +150 पर है और अपने लैशली अपने लेसनर -200 पर है, यानी कि दैट मीन्स कि वो मैच के अंदर चैंपियनशिप करेंगे रिटेन। और यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच की बात रही जो कि होगा शो का मेन इवेंट और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर। रोमन रेंस फिलहाल फेवरेट है -275 पर और रॉलिंस फेवरेट रॉलिंस है +200 के ऊपर। तो ये और से और दैट मीन्स कि जो अपने रोमन रेंस है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले। तो बहुत और कमाल के निकल कर सामने आ चुके। तो लेट्स सी क्या ये सभी सच साबित होते या नहीं। लेकिन बस कहता है हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतनी सी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।